हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। माय नेम इज़ नीरज चौहान एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक AI बेस्ड ऐसा चैटबॉट लेके आया हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने काफ़ी सारे काम इजीली कर सकते हो। मान लीजिए आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आपको बिज़नेस जनरेट करने के लिए बिज़नेस प्रपोजल भेजने पड़ते होंगे। तो उस बिज़नेस प्रपोजल को बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है। आपको कोई कंटेंट राइटर भी चाहिए होता है जो अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करके आपके प्रपोजल को इंटरेक्टिव बना सके। तो उसके लिए आपको एक कंटेंट राइटर चाहिए होगा, तब वो जाके आपका एक अच्छा प्रपोजल क्रिएट कर पाएगा। उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद आपका एक बिज़नेस प्रपोजल रेडी होता है, फिर आप उसको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं। अब ईमेल के थ्रू जब आप उसको सेंड करोगे तो उसमें भी कोई प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग चाहिए, अच्छी ड्राफ्टिंग चाहिए, तब भी आपको एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होगी, या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें मैं एक टूल बता रहा हूँ, इस चैटबॉट की हेल्प से आप ये सारे काम इजीली खुद से कर सकते हैं, भले ही आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करने के लिए नोट्स, वीडियोज़, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें बनानी पड़ती होगी। तो उसके लिए आप सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं, वहाँ से आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, तब जाके आपके ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये टूल आपकी मेहनत को कम कर सकता है। जी हाँ, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तब आपको एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, फिर से वो आपके लिए आर्टिकल राइट करेगा, आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शंस तैयार करेगा, डिस्क्रिप्शन बताएगा वीडियोस के। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको फिर भी एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होगी। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें जो टूल है उसको यूज़ करके आपको फिर कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही ये सारे काम कर सकते हो। आई एम डूइंग, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप यहाँ से असाइनमेंट बना सकते हैं, आप यहाँ से होमवर्क कर सकते हैं, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बट फॉर द स्टूडेंट आई एम सीरियसली नॉट रिकमेंड यू दिस सॉफ्टवेयर, दिस चैटबॉट, बिकॉज अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपकी जो अभी एक डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको कम कर देंगे। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि ये ऐसा क्या टूल है, सर हमें बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ, बट उससे पहले जो वीडियो के नीचे एक बटन है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए। ओके, दबा दिया। चलिए तो चलते हैं अब इस वीडियो में। इस चैटबॉट का नाम है ChatGPT। आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस चल रहा है आज के लिए। क्या है ChatGPT? ChatGPT एक चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, जो सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप इसमें अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और ये आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर लिख के समराइज और डिटेल्ड वे में दे देता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो ये आपको उसका आंसर करता है। अब आप बोलोगे, सर ये काम तो हम किसी भी सर्च इंजन को यूज़ करके कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है? सर्च इंजन आपको सजेशंस देते हैं, आपकी सर्च से रिलेटेड एक लिस्ट ऑफ कंटेंट तैयार कर देते हैं, वहाँ से आपकी मर्जी है कौन सा चूज करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये जो चैटबॉट है ये आपको सजेशन नहीं देता, ये आपको सॉल्यूशन देता है। सजेशन सॉल्यूशन, आपको सजेशन चाहिए तो सर्च इंजन यूज़ कीजिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो चैटबॉट यूज़ कीजिए। ChatGPT बनाने वाली कंपनी का नाम है OpenAI। इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ है वो 30 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुआ। अभी रिसेंटली मार्च 14, 2023 में ChatGPT 4 रिलीज़ हुआ है, जो इसका स्टेबल वर्जन है। ChatGPT की शुरुआत सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने की थी। 2015 के बाद से एलन मस्क ने ChatGPT को छोड़कर, OpenAI को छोड़कर अपनी कंपनी टेस्ला में काम किया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT में इन्वेस्ट किया। ChatGPT को रिलीज़ होने के 5 दिन बाद 10 लाख लोगों ने यूज़ किया। ये काम करने के लिए नेटफ्लिक्स को पूरे 3.5 साल लगे, Airbnb को 2.5 साल लगे, Facebook को 10 महीने लगे, Spotify को 5 महीने लगे, Instagram को 2.5 महीने लगे और Apple को
75 दिन लगे, लेकिन जो आपकी चैट जीपीटी है, आपका जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उसको ये काम करने के लिए मात्र 5 दिन लगे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग अपने सारे काम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और सीखते हैं इस टूल के बारे में, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे इस टूल को यूज़ करते हैं। तो आइए सिस्टम में और चलाना सीखते हैं इस टूल को। ओके, तो चैट जीपीटी ओपन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा chat.openai.com। तो इस पे जब हम जाएंगे तो ये वाला जो पेज अब इन्होंने बना दिया है, इसको इन्होंने पर्सनलाइज लॉगिन लिंक बना दिया है, जिस पे अब हम अपनी ईमेल लिखकर सेंड करेंगे तो ये हमें एक पर्सनलाइज लॉगिन लिंक भेजेंगे और उसके लिए हमें वेट लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये चैट जीपीटी 4 के लिए है, अभी हमें ओपन करना है चैट जीपीटी 3 जो इनका बीटा वर्जन है, टेस्टिंग वर्जन है। तो उसके लिए आप जाइए गूगल पर और आप यहाँ पर लिखिए चैट जीपीटी 3। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। ये सो वी विल ओपन दिस लिंक और हम यहाँ से हम जाएंगे फिर प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाके हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए जीपीटी 4 डेली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिस्ट हैं। तो अभी हम जीपीटी 4 पे जाएंगे तो हमें ये उसी पेज पर लेके चला जाएगा और यहाँ से हम जाएंगे तो ये हमें अगेन इसी पेज पर लेके आएगा। तो अभी हम इसको नहीं एक्सेस कर सकते, इस पर हमें परमिशन नहीं है, तो हम लोग जाएंगे ओवरव्यू में। तो विल क्लिक ऑन दिस वन एंड हियर इज़ द बटन गेट स्टार्टेड। अब हम लोग क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पर, तो अब हमें एक साइनअप का फॉर्म मिल जाएगा। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली इस लिंक से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें ऑप्शन मिलेगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, आप डायरेक्टली जाकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी अपने आप को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी डाल के, और जब आप इसमें अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो ये आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा, आप उस ईमेल लिंक को वेरीफाई कर देंगे तो तब आप यहाँ पर अकाउंट पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे GPT-3 पर। तो इससे अच्छा है कि आप चाहें तो लॉग इन विद गूगल कर सकते हो एंड यू कैन एंटर योर ईमेल आईडी हियर ऑल्सो। नेक्स्ट, यस, सो यू कैन नाउ सी ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। आप यहाँ से अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड देन कंटिन्यू। नाउ ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यू कैन वेरीफाई योर मोबाइल नंबर ऑल्सो हियर। ओके, सो नाउ वी लॉग इन सक्सेसफुली। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिन पे आप देख रहे हो बीटा लिखा हुआ है, ये अभी हमारे टेस्टिंग में है, ये हमारे लिए अभी फ्री है एंड दिस इज ऑल्सो फ्री, दिस इज लिमिटेड बीटा, मतलब ये कुछ लोगों के लिए अभी इन्होंने अलाउ किया है इसको। इमेज जनरेशन ऑल्सो अवेलेबल हियर एंड दिस इज ऑल्सो इन द बीटा। तो ये वही डेली वाला सॉफ्टवेयर है, डेली टूल है इनका, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट, और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो हियर इज़ द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पर ये है हमारा चैट जीपीटी, इसमें अब हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे ये उसका हमें आंसर करेगा। तो ये वो जगह है चैट जीपीटी की जहाँ पे अब हम लोग अपना कोई भी टेस्टिंग, कोई भी जो हमें ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, ईमेल क्राफ्ट करनी है, जितने काम मैंने आपको बताए थे वो सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, राइट एन आर्टिकल ऑन चैट जीपीटी एंड देन सबमिट। नाउ यू कैन सी दिस विल गिव्स अस द कंप्लीट चैट जीपीटी आर्टिकल। यहाँ से आप इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हो, अभी हमें 4000 टोकन्स अवेलेबल हैं, इतने कैरेक्टर तक का हम लोग इसमें लिखवा सकते हैं इससे। तो अगेन सबमिट करेंगे तो इसके स्टार्ट कर देगा, इसके आगे से ही इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा, ड्राफ्ट एंड ईमेल फॉर सेंडिंग अ बिजनेस प्रपोजल। तो ये देखो, इसको मैंने सबमिट किया एंड नाउ यू कैन सी बिजनेस प्रपोजल फॉर द कंपनी, हियर नेम एंड आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये देखिए पूरा का पूरा इसने लिखना शुरू कर दिया। तो ये हो गई हमारी ईमेल ड्राफ्ट। इस तरह से हम लोग यहाँ से इजीली कोई भी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एसे लिखना चाहते हो किसी भी टॉपिक पर, तो राइट एन एसे ऑन द टॉपिक माई स्कूल इन 300 वर्ड्स एंड देन सबमिट। तो नाउ यू कैन सी
ये देखिए इसने ऐसे लिखना स्टार्ट कर। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पर वही अगेन रीजनरेट का बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ये आपको दोबारा जनरेट करके देगा। तो ये 300 वर्ड्स में इसने हमें ऐसे लिख के दे दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको रीजनरेट कर लीजिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे रीजनरेट तो ये इस ऐसे को किसी दूसरी जगह से लिख के देगा। इफ यू वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस लैंग्वेज तो यू कैन राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर इन सी प्लस प्लस। तो नाउ यू कैन सी इन सी प्लस प्लस दिस विल गिव अस द प्राइम नंबर प्रोग्राम कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि आप ये सब चीज़ें गूगल पे नहीं कर सकते और ये हमें यहाँ पे रियल टाइम हमारी प्रॉब्लम के आंसर्स करता है। अगर आप अपनी वाइफ के लिए कोई पोएम लिखना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए कोई पोएम लिखना चाहते हैं या किसी लव वंस के लिए अपनी कोई पोएम चाहते हो यहाँ पे, तो जस्ट राइट हियर टू राइट अ पोएम टू मेक माय वाइफ हैप्पी एंड देन सम। तो नाउ यू कैन से, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे लिए एक पोएम भी लिख रहा है। तो आप इस तरह से इससे कुछ भी करवा सकते हो। कुछ और टेस्ट करते हैं। सो व्हाट रूम्स डू यू हैव अवेलेबल, ट्रांसलेट वन फ्रेंच टू स्पेनिश टू जापानी, तो सबमिट। सो दिस विल गिव्स अस लाइक दिस आल्सो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश एंड जापानीज। तो मुझे चाहिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, और मुझे चाहिए कि ये तीन लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट करके दें। इसका मुझे आंसर चाहिए, व्हाट रूम्स डू यू हैव अवेलेबल, नाउ सबमिट। नाउ यू कैन सी आपके पास कौन से कमरे उपलब्ध हैं, दिस इज इन इंग्लिश एंड दिस इज इन चाइनीज, दिस इज इन जैपनीज। तो यू कैन सी वी कैन गेट दीज टाइप ऑफ आंसर ऑन चैट जीपीटी। मैं इससे पूछता हूँ, राइट द स्क्रिप्ट टू मेक अ वीडियो ऑन चैट जीपीटी एंड सबमिट। श्योर, हियर इज द स्क्रिप्ट टेम्पलेट फॉर वीडियो ऑन GPT-3 चैटबॉट, ओपन है। ये देखिए इसने सब कुछ मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी एंड नाउ आई कैन क्रिएट अ वीडियो। चलिए अभी मुझे इससे चाहिए कि मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई अपना पोस्ट या फिर रील या फिर कोई स्टोरी पब्लिश करनी है, तो उसके लिए मुझे कोई एक कैप्शन और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मैं इससे क्या बोलूँगा, राइट अ कैप्शन फॉर माई यूट्यूब वीडियो ऑन चैट GPT ट्यूटोरियल एंड देन सबमिट। तो मुझे चैटबॉट आंसर कर रहा है, हाउ टू गाइड अ कन्वर्जनल AI विद चैट GPT, अनलॉक द पावर ऑफ AI टू ऑटोमेट एंड ऑप्टिमाइज द कन्वर्सेशन के लिए। अब मुझे एक कैप्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पोस्ट डालनी है रिगार्डिंग बर्थडे, तो अभी एक मेरे दोस्त को बर्थडे विश करना है, तो उसके लिए मैंने एक कैप्शन चाहिए मुझे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, राइट ए पोस्ट कैप्शन फॉर बर्थडे विश टू माई फ्रेंड एंड देन सबमिट। तो ये मुझे देखिए, अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मुझे दूसरा चाहिए। तो नाउ यू कैन सी मैंने इसको रीजनरेट कर दिया, ये मुझे दूसरा जनरेट करके ले रहा है। फिर से ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो ये देखिए। तो इस तरह से ये मुझे कंप्लीट विद हैशटैग ऑल्सो इसने मुझे सब प्रोवाइड कर दिया। तो इतना बेहतरीन टूल है, इतना ज़बरदस्त टूल है, आप इसको सब लोग यूज़ कीजिए। ओके, तो दिस वाज अबाउट द चैट GPT। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। दैट मीन्स कि आपके जो अपने हैं नॉन हैं उनको ये शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि कैसे हम चैट GPT को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद।